ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन उस्मान खाजा दोस्तों कल जो पर्थ में टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, उसमें वो फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती या सॉलिडेरिटी शो करते हुए नजर आएंगे, फलस्तीन के कॉज को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उस्मान खाजा कल के टेस्ट मैच में एक बड़े स्पेशल किस्म के पेयर ऑफ शूज पहन कर आएंगे और उनके जूतों के ऊपर लिखा हुआ है ऑल लाइव्स आर इक्वल, तमाम जिंदगियां एक लेवल पर हैं, बराबर हैं, इस तरह समझ लें, या हर जिंदगी कीमती है। इसका जो निचोड़ है ना उनकी इस फ्रेज का वो यही है कि हर जिंदगी कीमती है। और उस्मान खाजा ने ये शूज़ जो प्रैक्टिस सेशंस उन्होंने अटेंड किए पहले टेस्ट मैच से पहले जितने भी, उसमें ये शूज़ उन्होंने पहने हुए थे। इन जो उनके जूते हैं उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं और उस्मान खाजा का प्लान ये है पूरा कि वो तीन टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले जाएंगे उन तीनों में ये जूते पहन कर आएंगे और तीनों टेस्ट मैचेस में वो सॉलिडेरिटी शो करेंगे विद पैलेस्टाइन। अच्छा, उस्मान खाजा अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर भी फलस्तीन से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस शेयर करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि वो उस्मान खाजा उन गिने चुने सेलिब्रिटीज़ में से हैं और पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ कि जो खुलकर सामने आए हैं फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादातर जो हैं वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना बुकल मार गए या साइड मार गए, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ ने ये काम किया फलस्तीन के कॉज के ऊपर, क्योंकि उनको डर होता है कि यार हमारे से एड्स ना ले लिए जाएँ, हमारा जो एक सर्कल चल रहा है रेवेन्यू का वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हम अगेंस्ट इसराइल जाते हैं, तो वो फिर इस वजह से वो साइड मार गए। लेकिन उस्मान खाजा ने साइड नहीं मारी, वो तो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और मैंने आपको बताया जूते वो पहनेंगे, सोशल मीडिया उनका भरा पड़ा हुआ है प्रो फलस्तीन वीडियोस से रिलेटेड, प्रो फलस्तीन पोस्ट आप कह लें उनके सोशल मीडिया पर आपको ये नज़र आएंगी। तो उस्मान खाजा खुलकर सामने आएंगे, अब देखना यह है कि पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर इस किस्म का काम करता है या नहीं, क्योंकि हमारे तो पीसीबी ने कहते हैं कि रिजवान को कहा था कि वो ट्वीट डिलीट कर दो, क्योंकि आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद रिजवान ने जब सेंचुरी की थी श्रीलंका के अगेंस्ट तो उन्होंने डेडिकेट की थी अपनी जो इनिंग्स थी टूवर्ड्स द पीपल ऑफ गाज़ा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाज़ा, उन्होंने अपनी इस 100 को डेडिकेट किया था, उनको ट्रिब्यूट किया था अपनी 100। और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने देखा कैसे वो एक जो क्रिकेट फ़ैन है वो दौड़ता हुआ आया, उसने ग्राउंड में छलांग मार दी, दौड़ता हुआ ग्राउंड में चला गया और आपने देखा कि उसने भी एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था फ्री पैलेस्टाइन, तो ये भी हुआ। अच्छा, रिजवान को और उस फैन को बैकलैश भी ठीक ठाक फेस करना पड़ा, जो राइट विंग के इंडियन आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं उन लोगों की तरफ से। अच्छा, वो जो फ़ैन था मज़े की बात वो भी ऑस्ट्रेलियन ही है, वो लड़का जो कि जिसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था वो ऑस्ट्रेलियन है। और उसके अलावा फिर अच्छा रिजवान को जो बैकलैश फेस करना पड़ा वो भी आपके सामने है, फिर अहमदाबाद में जो कुछ रिजवान के साथ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अब आई रियली डोंट नो कि क्या कल ऑस्ट्रेलिया में अगर उस्मान खाजा ये करते हैं तो उनको किसी किस्म के बैकलैश का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि शायद उस्मान खाजा को उस लेवल का बैकलैश फेस करना पड़े जिस लेवल का मोहम्मद रिजवान को करना पड़ा था इंडिया के अंदर। बड़ी एक अनफॉर्चुनेट किस्म की वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसमें आप पूरे के पूरे इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, पूरी की पूरी इंडियन जनता को ब्लेम नहीं कर सकते। ये इस किस्म के जो होते हैं ना लोग, ये हर मुआशरे में हर मुल्क के अंदर होते हैं, इनका आप क्या कर सकते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की आइडियोलॉजी तो हर दुनिया में हर जगह मौजूद है और हर जगह वो प्रिवेल कर रही होती है, तो इस पर फिर यार अब लड़ाई झगड़ा करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि एक बंदे की गलती से उसके पूरे मोहल्ले को, उसके पूरे ख़ानदान को, उसकी पूरी कम्युनिटी को टैग कर देना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो खैर, जहाँ तक उस्मान खाजा की बात है, उनका कॉज आपके सामने है, वो समझ भी आता है। 18,000 के करीब If I'm not wrong, अल जज़ीरा तो रिपोर्ट करता है 17,700 समथिंग, तो 18,000 ही मोटा मोटा कर लेना, 18,000 लोगों ने फ़लस्तीनियों ने अपनी जान दी है ये जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं इसराइल की तरफ से। मामला हमास और इसराइल के बीच में था, वो एस्केलेट हुआ है और जिस बर्बरियत के साथ वो एस्केलेट हुआ है वो आपके सामने है। 18,000 लोग अपनी जानों से गए हैं,
जिसमें एक बहुत बड़ा नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर छोटे मासूम बच्चों का है। अब बच्चे तो, वो बच्चों का तो कोई मज़हब भी नहीं होता, बच्चों की तो कोई आइडियोलॉजी भी नहीं होती, बच्चे तो किसी फिक्र के पीछे नहीं होते, उनको तो जो एक टेक्निकल टर्म है, उनको तो सलीमुल फितरत पैदा किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर पैदा किया जाता है। तो उन बच्चों का क्या कसूर है जो हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। मुश्किल होता है यार अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखना इन तमाम बातों को लेकर। 50,000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं इन तमाम हमलों में। तो अब आप ये बताएं ना कि इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी बर्बरियत, इसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आप इसको नहीं डिफेंड कर सकते, यकीन करें इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। आप इसके ऊपर चुप रह लें वो भी अब तो जुर्म लगता है, डिफेंड करना तो बहुत दूर की बात है। सो उस्मान ख्वाजा के लिए तमाम तर दुआएं। एक ऐसा काम वो करने जा रहे हैं कि जिसका उनको ठीक ठाक किस्म का डेंट पड़ सकता है लिटरली, क्योंकि इसी डेंट पड़ने के डर की वजह से दुनिया के कई बड़े बड़े नाम खामोशी इख्तियार कर गए हैं। वो फ़लस्तीन की हिमायत में नहीं बोल रहे, कुछ बोल भी रहे हैं, ज़्यादातर चुप हो गए हैं, लेकिन उन लोगों में उस्मान ख्वाजा उठे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करें ये बहुत बड़ी बात है। एक सेलिब्रिटी होकर बड़ा दिल गुर्दा चाहिए फ़लस्तीन के हिमायत में बोलने के लिए, अपने एक्शन से शो करने के लिए। सो कुडोज़ टू उस्मान ख्वाजा। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।